आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और खतरनाक भी होने वाला है, क्योंकि आज गाइज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क उठाने वाली हूँ। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो बहुत पहले जो मैंने डाली थी आपने देखा था कि मैंने मम्मी के साथ रिएक्शन वीडियो की थी, जिसमें मैंने कपड़े पहन पहन के मम्मी को दिखाए थे और वो वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो गाइज समझिए आज उसका कुछ डबल वर्जन होने वाला है, खत्म, क्योंकि आज मैं मम्मी को बताने वाली हूँ मेरे इंस्टाग्राम के पोस्ट। तो गाइस मम्मी को मेरे इंस्टाग्राम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मम्मी इंस्टाग्राम पे है ही नहीं और मम्मी को यूज करना नहीं आता इंस्टाग्राम, तो मम्मी इंस्टाग्राम पे नहीं है। तो मम्मी को आज पता चलेगा कि मैं इंस्टाग्राम पे कैसी फोटोज डालती हूँ और क्या पोस्ट करती हूँ। तो गाइस मम्मी का जो रिएक्शन होने वाला है वो तो मुझे सोच कर ही डर लग रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं, तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। तो गाइज मैं अभी मम्मी को बुलाने वाली हूँ बाहर, फिर मैं मम्मी को एक एक करके मेरे इंस्टाग्राम के पोस्ट बताऊंगी, सो देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी आ गए हैं और मैंने कैमरा एकदम एडजस्ट कर दी हूँ, ये टाइसन अलग खटखट आवाज कर रहा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं तेरे को यहाँ पे क्यों बिठाई हूँ बता, अरे मुझे नहीं मालूम, टाइसन आ गया तो ठीक है। तो मैं आज देखो इंस्टाग्राम मालूम है, एक इंस्टाग्राम होता है जिसपे सब फोटोज वोटोज डालते हैं, हाँ तो उस पे मेरी क्या क्या फोटो देखो मालूम है वो मेरे को कभी बताई, तो आज मैं देखो बताऊंगी कि इंस्टाग्राम पे मेरे कौन से क्या क्या फोटो है जो कम से कम भी 60,000 लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फोटो जो है मेरा वो मैं सबने बताऊंगी गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट है, तो जो जो मेन मेन फोटोज है मम्मी को वो बताऊंगी। तो सबसे पहला फोटो है मेरा ये, वो मैं स्क्रीन में अटैच कर दूंगी। क्या ऐसा फोटो डालती तू? अरे तो ये बारबी लुक था ना, तो इसके लिए बारबी के लिए ऐसा खुल्ला खुल्ला, कैसा क्या खुल्ला, ये अच्छा लगेगा, ये स्टाइल है, बारबी लुक है ये। बारबी कौन सा लुक है भाई, ये ऐसे कैसे कपड़े है ये, तू कुछ भी करते रहती क्या क्या आरती, मेरा दिमाग खराब कर मत ऐसे फोटो डालना। अरे पहले ही फोटो में तेरे को क्या है, ये तेरे को बारबी नहीं दिख रही हूँ मैं इसमें, अगे बारबी क्या मालूम अगर से ये क्या वैसा अच्छा लगता है क्या ऐसा, तो क्या ये फोटो में क्या वो ये है कमी, कमी यहाँ तक कपड़ा रहना चाहिए ना गाइस, ये फोटो में मम्मी बोल रहे हैं यहाँ तक कपड़ा रहना चाहिए, लेकिन फिर वो बारबी नहीं दिखती थी मैं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा चल ठीक है, ये फोटो ना ये पहन के मैं बाहर जा सकती हूँ? नहीं जा सकती भाई, मेरे को तो पसंद नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कपड़ा, नेक्स्ट फोटो है मेरा ये, ये भी देखो क्या है इसके पास से खुला, अरे तो ये डिजाइन है वैसा कपड़े का, अरे भाई आपने को नहीं जमता ना, क्या नहीं जमता, अभी कर रही हूँ वीडियो बनाती हूँ, उसमें तो कोई भी कपड़े आता है प्रमोशन कुछ भी आता है तो ऐसा कपड़ा स्टाइल है ये, इसमें क्या है ऐसा नहीं पहनने का इस बार, ये फोटो में देखो क्या कमी लग रही है बता, सब तो अच्छा लग रहा है ना, तो पैर तो वो स्टाइल है ना, ये पहन के भाग जा सकती हूँ, इधर से थोड़ा सी के जा थोड़ा सा सी ले, थोड़ा सा साइड से अच्छा लगेगा, ठीक है स्कर्ट वैसा सी लेती हूँ मैं थोड़ा सा उसको, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट पोस्ट है मेरा ये, हाँ ये अच्छा है, एक नंबर है ये। क्या अच्छा है इसके अंदर, अरे इंडियन इंडियन मस्त है इतना, और ये याद है देखो अपन किधर गए थे, आम के झाड़ के, ये अच्छा है, ये ऐसे कपड़े पहनने का अच्छा लगता है, मस्त लगते है इसमें, पतली लगती हूँ मैं इसमें, खुद पतली नहीं अच्छी लग रही। चलो नेक्स्ट पोस्ट है मेरा, नेक्स्ट पोस्ट जारी खाती
नेक्स्ट पोस्ट है गाइस मेरा ये क्या अब इसमें क्या इसमें देखो क्या प्रॉब्लम फुल गाउन है ये तो आगे तो अस्तिन का है इसके अरे तो अस्तिन के बिना वाला गाउन है भाई ये तो टांग भी खुला है आगे तो कैसे 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 कपड़े पहन के फोटो में डालती है का इसमें ये अरे ये कट था उसका तो वो वैसा ही दिखेगा ना कट उसके अंदर क्या कट हुआ शादी करने वाला बोलेगा किसे से डाली फोटो बता कैसा लगेगा मेरे को बता लेकिन कपड़े तो पहन सकता है ना हर कोई यार ऐसे ये तो स्टाइल अब भी नहीं इसका पहनेंगे तो कब पहनेंगे तेरे शादी होने मत तो स्टाइल करा भी मत मगर भाई मेरा दिमाग मत खराब कर ओके सो नेक्स्ट है मेरा ये फोटो गाइस ये भी देखो टांग दिख रहे पूरे तो ये तो शॉर्ट्स है उसमें तो दिखेगा ही टांग थोड़ा यहाँ तक घुटने के नीचे तक रहना चाहिए था ना पुलिस अरे भगवान तो अच्छा लगता है अरे भगवान नहीं तो उसमें एकदम आंटी लगूंगी मैं घुटने के नीचे रहेगा आंटी हूँ क्या मैं यहाँ तक एक घुटना है ना वहाँ तक अच्छा लगता है लेकिन इसमें एकदम क्यूट क्यूट फोटो आई है मेरी एकदम हाँ क्यूट टाइम अगर थोड़ा सा ये रहना था घुटने तक तो ये पहन के बाहर जा चुकी हूँ मैं बाहर ये पहन के वैसा भी लोनावला जब भी गई मेरे को कम सब काम करके बैठी अभी बता रही सब अरे तो ये लोनावला में शूट था तभी का ये नॉनसेंस चलो अभी नेक्स्ट पोस्ट की तरफ जाते हैं गाइस कंट्रोल जो कि मेरा हुआ था एक मेकअप शूट कहीं का मेकअप शूट गया इसमें तो पूरा खुला ये खुला लेकिन मेकअप देख हीरोइन लग रही होगी टाइप है पूरी इसमें अरे हीरो नहीं लग रही मगर से पूरा खुला दिख रहा है तो खुला होने से क्या प्रॉब्लम है इंसान को अपनी नजर अच्छी रखनी चाहिए अरे भाई आपने दुनिया वाले कैसे मारे मना तेरे को ओ कैसा इसमें कैसी दिख रही ये भी नाम लगाते इसके लिए अपने हिसाब से रहने का इतना भी नहीं है लोगों का काम है लोग तो बोलेंगे नहीं पर नको कहीं को अपन किसका सुनने का नहीं सुनने का अपन अच्छा काम कर रहे ना तो अच्छा ही करो तो ये क्या कर देगा अभी ये फोटो ऐसा पहन के बाहर जा सकती हूँ इसको भी थोड़ा ये कर रहे क्या अस्तिन लगा लूँ हाँ इधर से हाफ लगा ले अस्तिन चलेगा और थोड़ा गाउन थोड़ा लंबा ले लंबा कर लूँ ठीक है डन नेक्स्ट फोटो है ये मेरी ये तो तुमने देखी है मुझे नेक्स्ट फोटो है मेरी ये हाँ ये अच्छी है साड़ी ऐसा पहनते हैं मस्त लगेगी साड़ी वाली फोटो गाइस ये है जो मम्मी को अच्छी लगी ये पहन के जा सकती हूँ किधर तो इसमें भी तो अस्तिन है अरे इसमें अच्छी लग रही है और साड़ी है ना वो तो चलता है क्योंकि वो दीपिका लग रही है इसमें तो समझी ऐसा एक नंबर दीपिका लग रही है सेम ठीक है सो नेक्स्ट फोटो है मेरी ये गाइस ये पहले डिलीट मार अरे इसमें डिलीट मारने जैसा क्या है नको मार जल्दी अरे लेकिन क्यों मार नहीं लेकिन अरे जबरदस्ती हाथ साफ करने का भाई तू मार जल्दी मार ये मैं किधर गई थी देखो मालूम है ताजमहल पैलेस अरे इधर पैलेस जा अपन डिलीट मार भाई नको पसंद नहीं अपने को चलो ये सब नहीं चाहिए क्या अरे लेकिन क्यों मम्मी लग रहा है मार जल्दी मार क्यों अच्छा मेरा फोन नहीं है भाभी का मेरे फोन से नहीं भाई तेरे फोन से मेरे फोन लेकिन क्या प्रॉब्लम है तेरे को सब प्रॉब्लम है सब कैसे अच्छा नहीं लग रहा मुझे जान क्या अच्छा नहीं लग रहा है नको ये पहन के बाहर जा सकती नहीं जा सकती अभी लास्ट फोटो में मम्मी को बताने वाली हूँ यार मम्मी तू बहुत मारती है मेरे को अरे तो ऐसे ऐसे फोटो दिखाएगी तो कैसा होगा बता मुझे तो लास्ट फोटो है मेरी ये ये सुंदर है सुंदर है ये ये सुंदर है और मस्त है दीपिका एक नंबर वो भी फोटो में दीपिका ये भी फोटो में दीपिका अच्छा मतलब साड़ी पहन ली तो दीपिका वाह क्या लॉजिक है तो दीपिका तो पिक्चर में ऐसे छोटे छोटे कपड़े भी पहनती है वो तो पिक्चर में ना काम करती तो है पिक्चर में पहन सकते यार वो थोड़ी देर के लिए पहनती है उन लोग क्या हमेशा के लिए थोड़ी पहनते है उन लोग बेचारे वाह उन लोग बेचारे और हम गुनेगार वाह नहीं नहीं आपन कैसा अपना थोड़ा अलग है पद्धत तो ऐसा नहीं
ठीक है, तो ये अच्छी फोटो है, ये अच्छी है और शादी के लिए भेज देंगे तो रिश्ते आएंगे। वाओ, ये देखो इनको ये फोटो शादी के लिए भेजनी है, अच्छे आएंगे रिश्ते, एक नंबर आएंगे, समझा, तुरंत पसंद करेंगे, मगर से गंदे गंदे कपड़े डाल के। ये मैं बोल रही हूँ वाली फोटो भेज, नको 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 पाग, वैसे वो चीज मत करा कर, ये अच्छे है। हाँ भाई ठीक है ठीक है। सो गाइस, ये मम्मी का आप लोग ने रिएक्शन देख ही लिया कि क्या था। अभी मम्मी को चाहिए कि मैं सिर्फ साड़ी और ड्रेस इंडियन पहनूं, लेकिन गाइस जो काम होता है उसके लिए थोड़े बहुत वेस्टर्न कपड़े पहनने पड़ते हैं, लेकिन वो थोड़े थोड़े मतलब अभी पहनना ही पड़ता है। और मेरे को बहुत शौक है कपड़ों का, मतलब मैं बहुत ऐसे मतलब स्टाइलिश कपड़े पहनती हूँ, लेकिन मैं रास्ते में पहन के नहीं जाती हूँ। अगर मैं कहीं पे इवेंट में पहुंचती हूँ वहां पे पहनती हूँ, ताकि रास्ते में मेरे को अनकंफर्टेबल ना फील हो या ऐसा कुछ। बट बाकी ऐसे मैं नॉर्मली थोड़े बहुत वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे पसंद है। अभी नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी। सो गाइस, ये मुझे अभी बता रही ना। हाँ तो अब देखो, अभी अगली बार जाओगी ना तो बताओगी मम्मी ये कपड़ा पहन के जा रही, तो तू तब भी बोल देना। अचानक देखे तो इंसान कैसे हो। हाँ सही बात, पहले से सब बताना चाहिए ना, मम्मी ऐसा 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 ऐसा। तो मेरे को बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आपकी मम्मी को ऐसा पसंद नहीं है छोटे कपड़े पहनना, लेकिन आप तो पहनते हो। तो मेरे को वही बता रहा था गाइस कि मम्मी को मालूम नहीं है, क्योंकि मैं घर से नहीं पहन के जाती हूँ, मैं मतलब घर से लेकर जाती हूँ, ऑर्डर वर्डर भी करती हूँ। मम्मी को ये पता है कि वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ, घर पे भी पहनती हूँ ऑब्वियसली, लेकिन ऐसे सब बाहर पहनती हूँ ये मम्मी को बताती नहीं हूँ मैं, क्योंकि ऐसा मेरे को कभी लगा नहीं कि ऐसा कुछ उसमें गलत रहेगा। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को बता दूं, कि मैं इंस्टाग्राम पोस्ट मम्मी को बता दूं कि क्या क्या मैं पहनती हूँ, ताकि मम्मी को भी पता रहे और जो भी देखते हैं फैमिली वाले उन लोग को भी पता रहे कि मेरी मम्मी को सब चीज मालूम है जो भी मैं करती हूँ। तो ये नहीं कि उन लोग जज करें इस चीज के लिए, इसके लिए मैं मम्मी को सब चीज पहले ही बता देती हूँ। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू द नेक्स्ट ब्लॉग।